चलिए एक बार चेक कर लें, वॉइस क्लियर सभी को? चलिए, यस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं MIQ सीरीज हमारी, मॉड्यूल 4 और लेक्चर 1। मॉड्यूल 4 में हमने पूरा कैलकुलस रखा हुआ है, लिमिट क्वांटिटी, डिफरेंसिबिलिटी, डिफरेंशिएशन, EOD, AOD में हमारा टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, रेट ऑफ चेंज एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड द कर्व। ठीक है, तो लगभग मैं 3 सेशन इस पे लूंगा और तीनों सेशन में हम लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ इसके 2 टेस्ट हमारे होंगे। ठीक है, 3 मॉड्यूल हमारे कंप्लीट हो गए, तीनों मॉड्यूल पे हमने 3-3 सेशन लिए हैं MIQs में, जिसमें 30-30 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ बच्चों आपको 75 क्वेश्चंस का हर उसका एक टेस्ट मिला हुआ है, 2-2 टेस्ट हुए हैं, मतलब हर मॉड्यूल में आपको 150 क्वेश्चंस तो टेस्ट के थ्रू मिले और 100 क्वेश्चंस करीब आपको क्लासेस के थ्रू मिले, यानी कि 250 क्वेश्चंस आपको एक मॉड्यूल में मैंने दिए हैं। ठीक है, मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, ट्राई करेंगे सभी लोग आंसर बताएं, फटाफट सॉल्व करते जाएं, ट्राई करते जाएं। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। क्या आंसर आने वाला है, जल्दी बोले बच्चों। हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आंसर बताएं क्या आएगा, जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन लिमिट का है, आंसर करें। किया सॉल्व किसी ने? देखें, थोड़ा गौर से समझें। अंडर रूट में दिया है 1 cos x² यानी कि 1 cos थीटा को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो बेटा। फॉर्मूला आपको ये पता होने चाहिए, 1 cos थीटा को क्या बोला जाता है और 1 cos थीटा को क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, 2 sin² और इसको क्या बोलते हैं, 2 cos² थीटा। ये 2 फॉर्मूले आपको बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पता होने चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसको क्या बोलेंगे जरा बताओ, 2 sin² x² / 2, क्योंकि यहां पे थीटा क्या है, x² है, क्लियर। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, 2 sin² x / 2। यहां तक क्लियर हो गया, बोलो जल्दी से सभी लोग, यहां तक क्लियर सभी का बच्चों? यस सुनो, यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे समझते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से √2 बाहर आ जाएगा बच्चों, यहां पे क्या बचेगा, मॉड ऑफ sin x² / 2।
चल ये भी चेक करें भाई, वॉइस क्लियर है? हेलो, चलिए अभी चेक कर लीजिए, वॉइस आ गई होगी बच्चों, है ना? तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये ऊपर दिया गया था, यहाँ पे ये दिया हुआ था। जैसे हम लोगों ने यहाँ से रूट हटाया तो आप जानते हैं बेटा मॉड में आ जाएगा, राइट? रूट हटेगा तो किस में आ जाएगा? मॉड में। स्क्वायर हट जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर बाई टू बचेगा, ठीक है बेटा? अब जो साइन एक्स स्क्वायर बाई टू है, अब जीरो से बड़े के लिए और जीरो से छोटे के लिए ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे? सेम बिहेव करेंगे। मतलब भाई अगर आप जीरो प्लस एच का स्क्वायर करो चाहे जीरो माइनस एच का स्क्वायर करो, दोनों के केस में एच स्क्वायर बाई टू ही आएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग सॉरी एल एच एल आर एच एल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? साइन एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ मैंने एक्स बाई टू का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ के कैंसिल हो जाएंगे, ये वन ये वन, यहाँ बचेगा टू, यहाँ से वन बाई फोर तो वन बाई टू बचेगा, यहाँ से रूट टू तो वन बाई रूट टू बचेगा। वन बाई रूट टू अपॉन वन बाई टू यानी कि आंसर आ जाएगा रूट टू। सो रूट टू विल बी द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? रूट टू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ गया सभी को बच्चों? नहीं निकल रहा? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करेंगे ट्राई सभी लोग। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, पाई बाई टू माइनस टेन वर्स एक्स की पावर वन बाई एक्स। अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो टेन टेन ये भी पाई बाई टू बन जाएगा बच्चों, बोलो। तो जीरो की पावर जीरो फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? जीरो की पावर जीरो फॉर्म आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं इस केस में? याद है ई की पावर वन बाई एक्स कहाँ जाएगा? इसे क्वाटर एक्स बोल देंगे ना, वन की पावर इनफाइनाइट आ रहा है क्या? नहीं, जीरो पावर जीरो है, लॉग लेना पड़ेगा। ये वाला फॉर्म भी चल जाएगा, वैसे लॉग लेना पड़ेगा ना, जीरो की पावर जीरो फॉर्म है तो लॉग लेना पड़ेगा ना बेटा। तो लॉग ले लीजिए आप, इसको पूरे को मान लीजिए बाई और लॉग ले लीजिए दोनों साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लॉग बाई। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन अपॉन एक्स आगे आ जाएगा, और लॉग में क्या बचेगा? तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट लॉग में रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा? एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है, या सुनो एल हॉस्पिटल रूल लगाएं क्या बनेगा? लॉग आगे का क्या हो जाएगा? वन अपॉन एक्स राइट इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो? इनटू में वन अपॉन वन प्लस और होल अपॉन में, ठीक है ना? आ गया आंसर, इनटू माइनस और आएगा ना, माइनस के साथ आ जाएगा ये। अब आप जैसे ही बेटा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये वाला काम तो बन जाएगा बेटा, बोलो भाई। इसको मैं इधर वाले पार्ट को अलग कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या बन जाएगा बताओ? ये क्या बन जाएगा? वन अपॉन में पाई माइनस टेन वर्स एक्स, इनटू में क्या हो जाएगा बोलो? वन अपॉन में क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर हो जाएगा राइट। अब आप इसके वैसे भी कर चुके हैं, आप क्या आ जाएगा आंसर बताओ? जीरो आ जाएगा भाई। यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो वन बाई इनफाइनाइट जीरो, वन बाई इनफाइनाइट क्या कहलाएगा? जीरो ही कहलाएगा ना दोनों, तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ से? जीरो। तो लॉग बाई क्या आने वाला है? जीरो। तो बाई की वैल्यू क्या आने वाली है? तो बाई की वैल्यू क्या आने वाली है? नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वन इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? एक बार रिप्लाई कर दीजिए सभी बच्चे। समझ आया सभी को? आगे बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन। ये भी लिमिट का ही था,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी लिमिट का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताएं आंसर क्या आंसर आएगा, 0 to 1/2 या इनफाइनाइट। जीरो टू वन बाई टू या इनफाइनाइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताएं आंसर। बहुत ही समझदारी से आंसर देना। देखो बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां लिखा है साइन 2/x और यहां लिखा हुआ है 1/x, ये सुनो, ऐसा है क्वेश्चन। और जब मैं इनफाइनाइट अभी पुट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है बताओ, इनफाइनाइट पुट करो, साइन 0 बन जाएगा, नीचे भी क्या बन जाएगा, तो 0/0 फॉर्म है कि नहीं है। और आपने एक चीज पढ़ी है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू कुछ भी हो, अगर साइन फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स है और ये गिवन, ये आपको दे रहा है 0/0 फॉर्म, तो इसका आंसर क्या होता है, 1। पढ़ा है कंसेप्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, साइन फंक्शन ऑफ एक्स है अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स, आंसर क्या देता है, 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × 2, आंसर क्या आएगा, सो 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, रिप्लाई करें बच्चों, 2 इज द राइट आंसर, 0 वाले सारे गलत, 2 विल बी द राइट आंसर, जो 0 बोल रहे थे वो सब गलत हैं, जल्दी जल्दी बोले, यह सुनो, समझ आ रहा है सभी को बच्चों, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब लोग ध्यान से समझें और करें इनको। अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से बेटा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू दी गई है 6, एफ डैश 2 की वैल्यू दी गई है दिस, एंड इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, क्या करेंगे, एलोस्पेडर रूल लगा देंगे, बोलो, लगाए एलोस्पेडर रूल, आप जानते हैं जैसे ही अभी देखो, देखो यहां पर 2 रखो तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, देखो 6, तो 6 से 6 लिमिट हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऊपर, तो 0/0 फॉर्म है अभी राइट नाउ, तो लेवलीज का एप्लीकेशन लगेगा, एलोस्पेडर रूल लगाएंगे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, करियर डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, जल्दी बोलो, 4fx का होल क्यूब इंटू एफ डैश एक्स, 6 में तो हट जाएगा, नीचे वाले का 1, बोलो बच्चों हो गया, 2 रख दो क्या बन जाएगा, 4f(2) का होल क्यूब इंटू एफ डैश 2 ना, 4f(2) की वैल्यू 6^2 ना 3 अपॉन में 1/48, तो कितना हो जाएगा ये, 4 × 6 अलग कर दो, 36 अलग कर दो, 1/48 अलग कर दो, तो 24 से 2 बार कैंसिल, 2 से ये 18 बार कैंसिल, 18 आंसर आ जाएगा, राइट। काफी बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ट्राई करें। समझ में आ गया सभी को, आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है ये लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 ऑफ एफ एक्स किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर एग्जिस्ट करेगी तो, अगर एग्जिस्ट करेगी तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखें देखें बच्चों, देखिए यहां पर कब है, जब हमारा एक्स इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, और यहां पे इंटीजर बिलोंग, सॉरी यहां पे इंटीजर बिलोंग कर रहा है, यहां पे एक्स हमारा इंटीजर बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब एक जब हमारा एक्स 2 है और एक जब हमारा एक्स 2 नहीं है, ये बात समझ में आ गई सभी को, एक कब है जब हमारा एक्स 2 है और एक जब हमारा एक्स 2 नहीं है बेटा, बोलो, तो 2 नहीं है के लिए ये वाला केस जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो ये वाला केस जाएगा, तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बोलो बच्चों, के लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा, के हो जाएगा बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 − h का −4 अपॉन में 2 − सॉल्व करें क्या आ रही वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट बताएं क्या आ रहा है,
इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है का मतलब टू नहीं है, टू में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, रखो वैल्यू जीरो रख दो बेटा वैल्यू, तो जीरो रख दो डायरेक्ट, क्या आ रहा है जीरो यहाँ रखने पे, अभी जीरो बाई जीरो आ जाएगा क्या, कोई बात नहीं अभी रखो पहले इसको। के अंदर क्या बचेगा, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस फोर एच ना, और होल अपॉन में क्या बचेगा, अभी भी लिमिट एक्सटेंस टू जीरो है, टू से टू हट जाएगा ना बेटा, क्या बचेगा एच ना, एच से एच कैंसिल कर दो, के रहेगा अंदर एच माइनस फोर अपॉन एच माइनस फोर ना, जीरो रख दो क्या आ जाएगा माइनस फोर के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस फोर के आ गया। अब राइट हैंड लिमिट कहां से निकालोगे बताओ जल्दी से, फ्रॉम वेयर यू विल फाइंड राइट हैंड लिमिट, इसी से निकालोगे ना बेटा, राइट हैंड लिमिट भी इसी से आएगी भाई जी, टू से बड़े का मतलब क्या हो गया, वो हमारा इंटीजर नहीं कहलाएगा, तो राइट हैंड लिमिट भी इसी से निकलेगी, रख दो टू प्लस एच, अब तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, टू प्लस एच का माइनस फोर अपॉन में क्या आने वाला है, यहां भी फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा बताओ, एच स्क्वायर प्लस अपॉन में एच एस कैंसिल क्या करो, क्या बचेगा एस एस कैंसिल हो जाएगा, फोर के, फोर के आ जाएगा ना, अब लिमिट एस एस कैंसिल कर दिया ना सीधा, तो जीरो हो जाएगा ना भाई, नहीं बता समझ आ रहा चलो ठीक है, अब लिमिट क्या बोला गया, एग्जिस्ट कर रहा है, बोला ना लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो कब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जब एलएचएल आरएचएल आपस में बराबर होंगे, तो माइनस फोर के किसके बराबर होगा, फोर के का, तो एट के किसके बराबर होगा, जीरो का, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, बताओ कौन सा आंसर आएगा, के जब जीरो होगा तब आएगा है ना, क्या आंसर आएगा बताओ बच्चों, डज नॉट एग्जिस्ट, बोले बच्चों, ये भी माइनस फोर की आएगा क्या, एक बच्चा करो, दोनों सेम तो नहीं आ रहे, कैसे क्या कट जाएगा ना इस केस में, तो शायद कहाँ पे या माइनस एच है क्या, तो माइनस फोर के आ गए ये भी, तो ठीक है सही बात है, फिर तो माइनस फोर के बराबर हो गए ना, तो इसका मतलब तो फॉर ऑल रियल, अब के कुछ भी बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या हो जाएगा, हर रियल के लिए एग्जिस्ट हो जाएगा राइट, माइनस फोर के है वो, समझ में आ गया, क्लियर है, एक बार सभी लोग बताएं क्लियर है, हाँ मतलब कितना समय लगेगा, क्यों तुम दो तीन मिनट लग गए क्या, गलत बात है, और कोई तरीका नहीं इस क्वेश्चन को बनाने का ना, चेक करना पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन को करें, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहे हैं फंक्शन जो दिया गया है कौन सा सही है, वन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वन से बड़े पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दोनों बराबर है, तो एक चीज देखना पड़ेगा पहले हमें, वन पे दोनों बराबर है दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, करें ट्राई एक बार सभी लोग, सभी लोग ट्राई करें फटाफट, देखें इसमें जो मेन दिक्कत देगा वो कौन देगा, हमारा x की पावर 2n, पूछो क्यों, ये डिपेंड किस पे करता है, हमेशा n पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, n अगर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, x की पावर माइनस टू, तो हमारा n सॉरी n है ना वहाँ पे, n ही पुट करना है क्या अपन को, कुछ नहीं डायरेक्ट पुट करें, डायरेक्ट पुट करें, डायरेक्ट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाएं, चेक करें क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालें, राइट हैंड लिमिट अलग निकालें, दोनों को निकालना पड़ेगा आप लोगों को,
बहुत आसान सा कंसेप्ट है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वन पे चेक करना है, किस पे? वन पे, राइट। देखो यहाँ पे एन टेंस टू इन्फाइनाइट दिया ना आपको, इन्फाइनाइट, तो आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान ये रखनी होगी, एन तो हमारा इन्फाइनाइट जा रहा है, बट डिपेंड करेगा हमारा क्या, अगर एक्स स्क्वायर हमारा वन से बड़ा हुआ तो एक्स की पावर टू एन क्या होगा बताओ, एक्स की पावर टू एन क्या हो जाएगा बताओ बेटा, अगर एक्स स्क्वायर हमारा वन हुआ तो एक्स की पावर टू एन क्या हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर हमारा अगर क्या हो गया वन से छोटा हो गया तो एक्स की पावर टू एन क्या हो जाएगा बताओ। एक्स की पावर टू एन को पहले समझिए क्योंकि दिक्कत यही दे रहा है, अगर एक्स हमारा एक्स स्क्वायर वन से बड़ा है तो वन से बड़े की वैल्यू इन्फाइनाइट क्या हो गया जाएगा, इन्फाइनाइट, राइट, और वन हो गया तो वन ही आएगा, और अगर हमारा इस वन से छोटा हो गया तो जीरो हो जाएगा। ये इसका की पॉइंट है, इसका की पॉइंट है जो आपको यूज करना है। एक्स स्क्वायर अगर वन हो गया तो ये वन रहेगा, एक्स स्क्वायर अगर वन से छोटा हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने एक्स स्क्वायर के लिए बनाया है, पता है, समझते हैं एक बार। तो अब हम लोग पहले केस लेके चल रहे हैं, केस वन लेके चल रहे हैं, मान लो क्या लेके चल रहे हैं, केस वन लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर का लेके चल रहे हैं हम लोग लेस देन वन लेके चल रहे हैं, तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ जल्दी से, लिमिट क्या बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं जल्दी बताओ, एन टेंस टू वहाँ क्या आने वाला, जल्दी बोलो बेटा, ये तो जो का तो रहेगा ना, लॉग टू प्लस एक्स, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा जीरो, नीचे क्या बचेगा वन, क्या आ जाएगा बच्चों बोलो, लॉग थ्री ना, एक्स टेंस टू वन पे देखना ना, वन पे वन माइनस क्या आ जाएगा बोलो, थ्री, लॉग थ्री आ जाएगा बेटा। चलो आर एच एल देखें, आर एच एल मतलब एक्स स्क्वायर हमारा वन से बड़ा ले लिया हमने, क्या आ जाएगा इस केस में बताएं कोई बच्चा, वन से बड़ा लेगा बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस हो जाएगा, और वहां पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टू प्लस एक्स, आगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट, आगे वाले पार्ट की है ना, सेम आएगा क्या, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन्फाइनाइट होगा क्या, प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे क्या चला जाएगा, ये तो टेंड्स करेगा इन्फाइनाइट की तरफ, नीचे भी इन्फाइनाइट में इन्फाइनाइट फॉर्म हो जाएगा, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा हमको, है ना, बोलो, है ना, वन अपॉइंट टू प्लस एक्स क्या रेस्ट, आर एच एल निकालो एक बार, जरा आर एच एल निकालो क्या आ रहा है, एक बार चेक करो आर एच एल, चेक करिए एक बार क्या आ रहा है, सभी लोग एक्स स्क्वायर जब वन से बड़ा होगा तो आर एच एल क्या आएगा, आर एच एल क्या होगा, क्या आ रहा है अपना, इन्फाइनाइट दे रहे हैं ना, तो एक काम और किया जा सकता है क्या, हम लोग उसको अगर कॉमन ले लें, टू की पावर एन को क्या कॉमन निकाल लें बाहर, टू की पावर क्या, एक्स की पावर, एक्स की पावर टू एन कॉमन ले लें, क्या बचेगा अंदर, लॉग टू प्लस एक्स अपॉन में एक्स की पावर टू एन प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स की पावर टू एन कॉमन फिर से, तो वन अपॉन और प्लस वन ना, अभी कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है जब हमारा एक्स स्क्वायर वन से बड़ा है तो ये किसको टेंस करेगा, ये वन हो जाएगा ना, इन्फिनिटी को, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ना, तो क्या आंसर आने वाला है, साइन वन, साइन वन आएगा क्या, वन अपॉन एक्स स्क्वायर टू एन, इसमें कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या, 2n कॉमन ले लेंगे हम लोग, ये साइन बना रहा है क्या यहाँ पे,
यहाँ आ रहा है साइन बन, मतलब RHL आ रहा है साइन बन और LHL आ रहा है हमारा क्या, तो दोनों बराबर नहीं है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, सही है बात, ठीक है बेटा। तो बन से छोटे के लिए हम लोगों ने काम किया और बन से बड़े के लिए काम किया, दोनों केसेस में हमारे अलग अलग आ रहे हैं और दोनों वैल्यू जो बराबर नहीं है, तो आंसर हम लोग बोल देंगे कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों एग्जिस्ट करेंगे लेकिन, है ना। तो हम लोगों को ये बोला नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, तो ये नहीं चलेगा, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बट वैल्यू अलग अलग आ रही है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर, राइट। बढ़िया क्वेश्चन है ये, समझ गए ना, x की पावर 2n पे बेस था। इस क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से। यहाँ पे बोला गया f डबल डैश a की वैल्यू दी गई है, f डबल डैश जीरो की वैल्यू दी गई है a, और एफ एक्स हमारा एक डिफरेंसिबल फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए ट्राई करें एक बार। दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, करें एक बार ट्राई। क्या करेंगे बच्चों, एनुस्पर्ट रूल लगाएंगे, क्या हो जाएगा पहली बार में, जल्दी बोलो, 2f'x आगे माइनस 3 2 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो, 6f'2x प्लस में 4f'4x होल अपॉन में 2x। अभी भी देखो 0/0 फॉर्म होगा, कैसे समझो, f' देखो अभी रखो 0, नीचे तो 0 कंफर्म आ रहा है ना, तो सेम हो रहा है ना, ये 0 ये 0, देखो 4 2 6 6 कैंसिल, फिर से 0 फॉर्म है, तो फिर से एनुस्पर्ट रूल लगा दो, क्या आ जाएगा आंसर, आंसर बोलो बच्चों फिर से, 2f"x, बहुत बढ़िया, माइनस 6 2 12 f"(2x) प्लस 16f"(4x) अपॉन में 2, राइट, 2, 0 पुट करो, अरे काट दो अलग बात है, 2a माइनस 12a प्लस 16a/2 कितना हो जाएगा, 18 में से जाएगा 6a, तो राइट आंसर इज 3a। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन में से है एक, राइट, एल-हॉस्पिटल रूल लगा के ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ आ गया सभी को, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन करेंगे बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करें सभी लोग। वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो, सो दैट ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स प्लस 2 की पावर x अपॉन x मे बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। कह रहे एफ जीरो की वैल्यू बताओ कि कॉन्टिन्यूस हो जाए, क्या करेंगे बोलो, एफ जीरो की वैल्यू बताओ कि कॉन्टिन्यूस हो जाए, मतलब कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी 0 पे, बोलो, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी लिमिट वैल्यू निकाल दो 0 पे, वही आंसर हो जाएगा, तो निकाल दीजिए भाई, कॉन्टिन्यूस का मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी और एफ ऑफ जीरो के बराबर होगी, तो लिमिट की वैल्यू जो आएगी वही आंसर हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, यही बराबर किसके हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो के, तो 2 की पावर x log 2 - e की पावर x / 1 लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 0 पुट कर दो, यही एफ ऑफ जीरो का आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0 करने पे, लॉग 2 माइनस 1 ना, तो इसको क्या बोल दोगे, है तो ऑप्शन log 2 माइनस 1, क्लियर है बात, समझ आ गया सभी को, log 2 माइनस 1 इज द राइट आंसर, समझ आ रहा है सभी को अच्छे से, अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें जरूर आंसर करें, हर एक बच्चा अपना दिमाग लगाए और आंसर बताए क्या हो सकता है। कह रहा है एफ एक्स हमारा एक इवन फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है या कुछ कंफर्म, आप बोलोगे ऑड होगा, कॉन्स्टेंट होगा, क्या आएगा जल्दी बोलो, ऑड हो जाएगा, डिफरेंशियल क्या हो जाएगा उसका, एक ऑड हो जाएगा, क्या ही सोचना है इसमें, ठीक है, अगर कोई इवन फंक्शन है तो फंक्शन डिफरेंशियल क्या हो जाएगा उसका, ऑड ही तो हो जाएगा, क्लियर है, बोलो, कोई भी इवन फंक्शन ले लेना, उसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, ऑड फंक्शन आ जाएगा, कोई भी इवन फंक्शन ले लो, और अगर ऐसे नहीं कर रहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कैसे, अगर फंक्शन इवन है तो इवन का मतलब क्या हो जाएगा,
एफ एक्स इक्वल टू, इधर देखो बेटा ये हो जाएगा, अगर फंक्शन इवन है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स के बराबर, डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसको इधर भेज दो, और जब किसी फंक्शन में ये चीज़ अलाउ होती है कि उसका एक्स तो माइनस एक्स रखने पे जीरो, तो वो क्या कहलाता है, एफ डेस एक्स क्या कहलाएगा यहाँ पे, ऑड, समझ गए ना भाई, ये इवन की कंडीशन है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो ऑड की कंडीशन आ गई, बहुत बेसिक बात है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है, आपको पता है निमसेट में भी पूछा गया था 2019 में, चलो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा था 2019 में। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1 से छोटे के लिए, और यहाँ पे बेटा मॉड है हमारा 1 से लेके 2 के बीच में, तो आपको पता है 2 पे ही ब्रेक होगा, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखें तो ऊपर वाला हमारा क्या बन रहा है, कॉस एक्स पाई किसके लिए, जब एक्स हमारा 1 से बिल्कुल छोटा है, राइट, और ये हमारा 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, इसका मतलब 2 माइनस एक्स बन जाएगा ना बेटा, बोलो या सुनो, 1 से बड़ा और 2 से छोटे पे क्या कहलाएगा, नेगेटिवली बिहेव करेगा, तो इट विल बी 2 माइनस एक्स, बोलो क्लियर। तो मुझे एक पॉइंट तो मिल गया, क्या, दैट इज द 1। अच्छा माइनस 1 बताओ कहां पर होगा, तो माइनस 1 पे अगर माइनस 1 की बात करेंगे, क्योंकि 1 से माइनस 1 कहां है हमारा, 1 से छोटे के लिए, तो यहां कहीं माइनस 1 आएगा बीच में अगर आएगा, तो माइनस 1 से बड़े के लिए और माइनस 1 से छोटे के लिए ये बिहेव करेगा, ये चेंज होगा, बोलो बेटा। बट पहले तो मैं 1 पे देख लेता हूं, 1/2 भी दिया है क्या उन्होंने, 1/2 भी चेक करना है, 1 भी चेक करना है, 0 1, अच्छा बहुत सारे दे दिए ना, 0 दिया है, 1 दिया है और माइनस 1 और ये सारे चेक, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो ये हर जगह ब्रेक हो जाएगा, राइट, ये बहुत जगह पे चेक कर सकते हैं, तो पहले 1 पे ही चेक कर लेते हैं, सबसे पहले 1 पे, पहले एट एक्स इक्वल टू 1 देखें, 1 पे क्वांटिटी चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब यहाँ पे 1 से छोटा, तो अगर 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखो एक्स की, 0.9 पाई, तो पाई से थोड़ी छोटी हो जाएगी, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, याद है ना, कॉस पाई कहाँ होता है भाई, 1 से रखोगे तो पाई से थोड़ा छोटा है यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस क्या होता है, 0, यहाँ पे कॉस क्या होता है, तो 0 से माइनस 1 के बीच में होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा उसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अगर कोई वैल्यू 0 से माइनस 1 के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा उसका, माइनस है ना, माइनस 2, माइनस 1 होगा ना, माइनस का पॉइंट नाइन, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 होगा, इस पे जो वैल्यू आएगी ना वो माइनस 1 से छोटी ही होगी ना, इधर भाई पाई हमारा यहाँ होता है, पाई से थोड़ा छोटा रहेगा फंक्शन, तो पाई मल्टीप्लाई तो एक पाई में कर रहा है ना, तो पाई तो यहाँ होता है, तो पाई से छोटा तो यहीं आएगा, तो कॉस पाई से छोटी यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 होती है पाई पे, तो पाई से क्या होगी, माइनस 1 से छोटी ही होगी ना, समझ गया ना, मतलब कहाँ पे होगी, माइनस 1 से 0 के बीच में होगी, इधर गई, इधर की, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, और आर एच एल क्या मिलेगा, 1 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन, 1 यहाँ रखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 पे क्या हो रहा है, नॉट कॉन्टीन्यूस, डिसकॉन्टीन्यूस, तो डिसकॉन्टीन्यूस है तो डिफ्रेंसिबल भी नहीं होगा, तो ये पॉइंट ऑप्शन बन सकता है ना भाई, बस मुझे माइनस 1 पे और चेक करना है, तो माइनस 1 पे अगर हम लोग चेक करने जाएंगे बेटा, ध्यान से देखना, तो यही वाला फंक्शन एक्टिवेट होगा, कॉस एक्स पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर ही एक्टिवेट होगा, क्योंकि एक्स 1 से छोटे के लिए है, तो बताओ जरा कैसे एक्टिवेट करेंगे इसको हम लोग, अब ले लिया हमने माइनस 1 से छोटा, माइनस 1 से छोटे का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 1.1, तो माइनस 1.1 रखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस 1.1 मतलब कॉस 1.1 हो जाएगा ना, तो पाई से थोड़ा सा बड़ा, पाई से थोड़ा सा बड़ा मतलब यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, 0, यहाँ पे माइनस 1 सेम, फिर से माइनस 1 आएगा, समझ पा रहे हो, माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से समझने की कोशिश करना, एक्स का वैल्यू माइनस 1 से छोटा मतलब, माइनस 1 से छोटे का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, ये राइट हैंड ले लिया था क्या मैंने अभी, चलो माइनस 1 से छोटा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 1.1 फॉर एग्जाम्पल, तो माइनस 1.1 हमने यहाँ रखा, तो माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1.1 टाइम ऑफ पाई, तो पाई से बड़ा होगा ना,
मतलब यहाँ कहीं आएगा और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फिर से माइनस वन मिलेगी तो माइनस वन आएगा। बट अगर मैं एक्स की वैल्यू को माइनस वन से बड़ा ले लूँ, माइनस वन से बड़ा का मतलब क्या होता है, जीरो पॉइंट में आ जाएगा फिर तो, माइनस से बड़ा मतलब पॉइंट माइनस पॉइंट नाइन, तो माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉइंट नाइन रखो क्या आ जाएगा, अभी पॉइंट नाइन आएगा, एक्स का वैल्यू आ रहा अभी ना बेटा, एक पाई अभी रुको ना, कॉस में रखेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस पॉइंट नाइन आएगा बेटा, पॉइंट नाइन यहाँ रखो क्या आएगा, वही सेम हो जाएगा ना, फिर से माइनस वन, तो इसमें क्या आ रहा, कॉन्टिन्यूस हो रहा है क्या, ये तो ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है, ए ऑप्शन सही नहीं है, फिर मतलब आप चेक करिए। अब मुझे किसी दूसरे पॉइंट को चेक करना ही पड़ेगा, पहला पॉइंट तो हमारा आंसर नहीं आया तो मुझे किसी दूसरे पॉइंट को ही चेक करना पड़ेगा, ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं आया, दूसरा ट्राई करें, आप क्या कर सकते हैं, जीरो को ट्राई करें, तो जीरो कहाँ मिलेगा हमको, वहीं मिलेगा, जीरो को ट्राई करें, जीरो को जल्दी से, जीरो पे क्या आ रहा है, जीरो को चेक कर ले, ठीक है, अगर इससे बेटर है हम इस पूरे को अगर बना लें ना पहले से ही तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोगों के पास पता है पॉइंट बहुत सारे हैं ना, तो अगर पूरे बना के रख लें तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा क्वेश्चन को, है ना, ठीक है, तो वही बनाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा क्वेश्चन, तो हम लोग इसको एफएक्स को पूरा बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक पॉइंट क्या मिला मुझे, माइनस वन, पॉइंट रखो क्या क्या मिले, माइनस वन और क्या है, अरे जीरो है ना, उसके बाद वन बाई टू, और फिर इतने पॉइंट है ना, तो अब रखो चलो एक्स की वैल्यू पहले लेते हैं माइनस वन से छोटी, फिर एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी और फिर लेते हैं एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी और वन बाई टू से छोटी, और फिर लेते हैं एक्स की वैल्यू वन बाई टू से बड़ी और वन से छोटी, फिर लेते हैं एक्स की वैल्यू वन से बड़ी और एक्स की वैल्यू टू बाई टू से बड़ी, इतने फंक्शन ओपन होंगे एक तरफ से, बोलो अब वन बाई वन सारे पॉइंट रख लोगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, जैसे माइनस वन के लिए तो ये वाला एक्टिव होगा, माइनस वन से छोटी वैल्यू यहाँ रखेंगे आप, ये कॉस पाई, यहाँ माइनस वन से छोटी वैल्यू रखो क्या आएगा, माइनस वन से छोटा क्या होता है, माइनस वन से भी छोटा, तो माइनस का वन पॉइंट वन, तो माइनस में तो कॉस में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वन पॉइंट वन टाइप पाई हो जाएगा, तो 1.1 टाइम पाई हमारा पाई से थोड़ा आगे निकल जाएगा, बट इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा माइनस में से जीरो के बीच में ही होगी ना कॉस में, तो कहाँ पहुँचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस में नहीं देगा, माइनस वन से बड़ा ले लेते हैं, माइनस वन से बड़े का मतलब भी क्या हो जाएगा, माइनस वन से बड़े का मतलब क्या होगा, जल्दी बोलो, इसी में बिहेव करेगा वो, माइनस वन से बड़े का मतलब क्या होता है, माइनस 0.9, ठीक है 0.9 है ना, तो यहाँ आ जाएगा फिर, तो वैल्यू क्या आएगी, अब जीरो से बड़ा ले लेते हैं, जीरो से बड़ा मतलब पॉइंट वन रख देते हैं, तो पॉइंट वन मतलब ये तो बिल्कुल पास हो जाएगी, जीरो के पास आ जाएगा ना, जीरो से बड़ा रखोगे तो इधर कहीं आ जाएगा ना, इधर कहीं बिल्कुल, बोलो तो ग्रेटर सिटी क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा जीरो, और अगर हमने वन बाई टू से सॉरी सही है ना, वन बाई टू से बड़ी ली, वन बाई टू रखो तो फाइव बाई टू कहलाएगा वो, वन बाई टू से बड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाई टू से बड़ी, मतलब जीरो से थोड़ी से बड़ी, तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा राइट ना, वन से बड़ा ये क्या कहलाएगा हमारा, एक्स माइनस टू कहलाएगा, और टू से बड़ा सॉरी ये टू माइनस एक्स होगा, और ये खत्म हो गया क्वेश्चन, अब सॉल्व करो देखो किस पे क्या है, चेक करो वन पे, पहले चेक करते हैं वन पे, वन कहाँ, ये है तो वन पे जीरो और क्या डिसकॉन्टिन्यूस है, वन बाई टू पे भी वन बाई टू कॉन्टिन्यूस कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है, ये ऑप्शन भी नहीं है, जीरो पे चेक करो, जीरो से छोटे के लिए माइनस वन, जीरो से बड़े के लिए कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफ्रेंसिबल एक्स इक्वल टू टू, टू पे चेक करते हैं तो बिल्कुल सही है, मॉड है ना ये, तो कॉन्टिन्यूस होता बट नॉट डिफ्रेंसिबल, तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर था, डायरेक्ट आप टेक कर सकते थे क्योंकि क्या है एक्स माइनस टू है,
तो आप इस पूरे कहानी को छोड़ देते अगर ये ऑप्शन को ध्यान से देख लिए होते तो ये एक ही बार में आंसर हमारे दिमाग में हिट हो गया होता, ठीक है, कि भाई ये कॉन्टीन्यूस तो नहीं होगा, बट कॉन्टीन्यूस तो होगा बट डिफ्रेंसिबल नहीं होगा। टू यहाँ रखो जीरो, टू यहाँ रखो जीरो, और डिफ्रेंसिबल तो नहीं होता है मॉड फंक्शन, आपको पता है। तो टू पे डिफ्रेंसिबल नहीं होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। मतलब अगर हम लोग इस पूरी कहानी को ना देखते और थोड़ा सा इधर देख लिए होते ऑप्शन डी में, तो मुझे कुछ करना ही नहीं था, ये डायरेक्ट आंसर था, ठीक है ना। बताओ जरा मॉड एक्स माइनस टू, बट काफ़ी कुछ सीख गए होगे निकालना ये चीज़ आप। क्वेश्चन काफ़ी हाई अच्छा है, स्टार बना लो इसमें, ठीक है, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिखा के गया आपको ये क्वेश्चन, ठीक, समझ में आई बच्चों बात, बहुत कुछ सिखा के गया है ये क्वेश्चन आप लोगों को। क्लियर हो गई बात, एक बार बता दें सभी लोग, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को करेंगे। मॉड एक्स प्लस टू अपॉन में टेन इनवर्स एक्स प्लस टू, जब हमारा टू नहीं है तब, माइनस टू पे सॉरी, है ना, और माइनस टू पे टू, तो कॉन्टिन्यूस होगा या क्या होगा, सो इट इज वेरी इजी टू चेक। यहां बोला कॉन्टिन्यूस, यहां बोला नॉट कॉन्टिन्यूस, मतलब इसके मतलब हम इन दोनों के अलावा और कोई ऑप्शन टेक नहीं करेंगे, यस और नो, बताओ बेटा। यहां पे क्या बोला और यहां पे, ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है, इनमें से कोई एक हो जाएगा, बट कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंसिबल, ठीक है, चल सकता है, बन सकता है, चल सकता है ना। तो आप जानते हैं बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखें, तो ये हमारा टेन इनवर्स है, ये हमारा ये है, राइट, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट इसका, अगर डायरेक्ट देखें तो डी लगा सकते हैं, बोलो, सोचे ना, बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट डी बोल दें क्या इस क्वेश्चन का आंसर, बोलो, क्लियर है बच्चों। क्लियर है, क्या ऑप्शन आ रहा है डी, नहीं तो चेक कर लो, सॉल्व कर लो, ए आ रहा है क्या, चेक करना पड़ेगा फिर, है ना, डिफरेंसिबल नहीं हो सकता है क्या, ये कॉन्टिन्यूस तो पक्का हो रहा होगा, है ना, चेक करो एक बार बेटा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ जाएगी हमारी, माइनस टू छोटे के लिए क्या बन जाएगा, ये माइनस का निकलेगा ना, माइनस का क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू टू, सॉरी एक्स टेंस टू माइनस टू, ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस टू से छोटे के लिए, माइनस में अपॉन में टेन इनवर्स एक्स प्लस टू, ये क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, ये लिमिट में एक्स टेंस टू माइनस टू, ये एक्स प्लस टू बन जाएगा ना, अपॉन में दोनों फंक्शन चेंज हो जाएंगे, राइट, दोनों पे आंसर सेम आएगा, चेक करो। अभी क्या रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, ऊपर वाले का क्या आ जाएगा, माइनस वन, नीचे वाले का क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस टू का, हो तो रहा है जीरो बाई जीरो फॉर्म, कैसे, हाँ सीधा बोल दो ना, वन है ना, वन और माइनस वन हो जाएगा ना, डी आंसर, सही बात, ये माइनस वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन ना, बी आंसर, नॉट कॉन्टिन्यूस, और नॉट कॉन्टिन्यूस तो नॉट डिफरेंसिबल होता है, खत्म, ठीक है। अगर हमारे पास टेन वर्स नहीं होता तो अलग बात थी, बट हमारा ये नॉट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन तो ठीक है, बट ये फंक्शन भी आ गया साथ में, ठीक है। अगर केवल मॉड एक्स प्लस टू होता तो कॉन्टिन्यूस होता है, बट मॉड एक्स प्लस टू के साथ साथ नीचे क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टू, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आया सभी को, सो राइट आंसर इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ना कि कॉन्टिन्यूस, डिफ्रेंसिएशन करो बाई स्क्वायर का, बताओ जल्दी से, तो लिमिट क्वांटिटी डिफरेंसिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने, अब कुछ डिफरेंसिएशंस के देखेंगे, जल्दी से सॉल्व करें।
माइनस टू पे कॉन्टिन्यूस नहीं था वो बेटा, है ना, सही है, हो गया। बाई स्क्वायर करें तो पहले क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो बच्चों, बाई स्क्वायर करने पे आ क्या जाएगा, चलो कोई बात नहीं, बाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें ना, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन जाएगा, टू एक्स माइनस इंटू में क्या बन जाएगा, टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर करना है क्या, सॉरी देखें बेटा सही कह रहे थे सब लोग, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर करना है ना बाई स्क्वायर का, तो एक काम करो कुछ मत करो, उसका अलग कर देना, इसका अलग कर देना, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का अलग हो जाएगा 2x, इसका पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करो, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स क्या आएगा, जल्दी बताओ जो भी कर रहे थे वही करो, 2x माइनस इन टू में 1 माइनस, तो ये हमारा डी एक्स रिस्पेक्ट में आया, अब डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स रिस्पेक्ट में कर दो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर का, तो 2x आ जाएगा ना, दोनों को डिवाइड कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्लियर बात, इसे 1 बोलेंगे इसे 2 बोलेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा, तो 1 बाई 2 कर दो अब आप लोग, तो जो आपको चाहिए वो निकल आएगा, क्या चाहिए, डी वाई स्क्वायर अपॉन भैया डी एक्स से डी एक्स हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से x बाहर निकालो तो 2x कट जाएगा ना, कितना बच जाएगा बेटा, 1 माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, है कोई ऑप्शन, 1 माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, ऑप्शन बी, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर है बात यहां तक, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आंसर करेंगे, डिफरेंशिएशन करना बेटा इसका भी, e की पावर में 1 बाई 2 दिया है, लॉग में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स दिया है, और dy वाई बाई पूछा गया आपसे, डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, लॉग से लॉग खत्म कर देते ज़्यादा बेटर है ना, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इधर रूट पहुँचा दें यहाँ पे, बोलो रूट यहाँ पहुँचोगे तो 1 बाई 2 हट जाएगा, इसे ही कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, sec स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा sec x, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x tan x, क्लियर है बात, समझ आ गया, अगला क्वेश्चन, तो अभी किए थे कुछ दिन पहले, x y स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा हमारा ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस x, तो dy by dx क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x का इन टू में माइनस 1, तो dy by dx क्या आ जाएगा फाइनली, 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, बट हमसे पूछा क्या गया है, dy by dx माइनस y, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई, क्या हो जाएगा, वाई का मतलब क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू तो है हमारे पास, क्या वैल्यू है वाई का, चलो बताओ, 1 अपॉन 1 माइनस, तो एलसीएम ले लेना, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस, माइनस अमन ओमन एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स का, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, एक बना सकते हैं हम लोग क्या, एक्स अपॉन में कुछ नहीं, हो गया सीधा भाई है ना, ये एक्स बन जाएगा इन टू में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये चीज़ क्या है जरा बताओ, 1 अपॉन बाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक्स अपॉन बाई स्क्वायर नहीं आ जाएगा आंसर, एक्स इंटू बाई स्क्वायर नहीं हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, समझ गए बात को, क्लियर है या सुनो, अगला क्वेश्चन करेंगे, करो ट्राई, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एफ एक्स की 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में बच्चों,
आगे आंसर बच्चों, चले आ गया। देखिए एक बार कैसे करेंगे बेटा। देखो जब भी आपको कोई इंटरवल दिया जाएगा, इस इंटरवल में बताना है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो जब हम लोग इंटरवल दिया जाता है तो हम लोगों को उस इंटरवल के सारे पॉइंट पे काम करना होता है। तो पहले तो एफ एक्स बताएं क्या है हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन करें क्या आ रहा है, एक्स का वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर जो कहते हो, प्लस का साइन एक्स जो कहते हो, और इसका टू टाइम्स क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना बन जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ तक क्लियर है ना। कौन कौन से पॉइंट आएंगे यहाँ पे, जीरो करो उसको, क्या क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स, राइट। तो थ्री एक्स कॉमन लोगे, माइनस वन कॉमन लोगे तो एक्स माइनस, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वन। और तो कितने पॉइंट मिले आपको का ध्यान से देखा जाए, तो जीरो पे तो ओपन है, टू पे भी क्या है ओपन, कौन कौन से पॉइंट मिले, वन और, तो इस पे चेक करो और इस पे चेक करो, पहले बताइए क्या वैल्यू कौन सी मैक्सिमम है। वन रखो सीधा वैल्यू में, फंक्शन में वन फंक्शन में रखिए, राइट क्या आंसर आ रहा है, वन पे क्या आ रहा है, जीरो, और वन बाई थ्री पे, वन पे आ रहा है एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो आ रही है, और एफ ऑफ क्या आ रही है, फोर बाय, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, तो फोर बाई ट्वेंटी सेवन इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है बात, समझ आ गया सभी को अच्छे से, यस और नो। वन और वन बाई थ्री हमारे पॉइंट कहलाएंगे और हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इस पे। हम लोग यहाँ पे चेक नहीं करते कि किस पे मैक्सिमम होगा किस पे मैक्सिमम होगा, जब भी हमें एब्सोल्यूट निकालना होता है या फिर किसी इंटरवल में निकालना होता है। बोल रहे हैं बी की वैल्यू वो बताइए जिस पे ये क्या हो जाए, डिक्रीजिंग हो जाए। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या करना होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन को लेस देन जीरो करना होता है। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी लेस देन जीरो, तो बी उधर भेज दो, तो बी उधर हो जाएगा, कॉस एक्स लेस देन बी है ना, तो बी इज ग्रेटर देन, सॉरी बी इज ग्रेटर देन कॉस एक्स। अब एक चीज बताओ, बी हमारा कहाँ से बड़ा है, किससे बड़ा है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, यही ना, तो b हमारा माइनस वन से वन से बड़ा है, तो b की वैल्यू क्या लगाएंगे हम लोग, आंसर b क्या होना चाहिए बताओ। मैं आपसे कह दूं बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई भी एक नंबर है जो बेटा बड़ा है दो से लेके पाँच की रेंज से बड़ा है, तो इसको मतलब तो पाँच से भी बड़ा है ना वो, तो आंसर क्या हो जाएगा, वन या वन से बड़ा। से बड़ा है ये नहीं आएगा, सी आएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं है ना, वन नहीं हो सकता ना, इक्वल नहीं है, वन नहीं हो सकता, इक्वल नहीं है बेटा ना, सी ही आंसर होगा, राइट, यस सी इज द राइट आंसर। क्लियर, एक बार चेक कर रहे हैं सभी लोग, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं किसी को, इक्वल टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे, बोला जा रहा है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, तो कुछ नहीं करना है, जिस इंटरवल में भी ये इसका जो डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव दे, तो डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 12, ठीक है ना, तो सिक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो क्या आ जाएगा, और एक्स माइनस, ये हो जाएगा बेटा, राइट। तो कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे,
वन माइनस टू आर, तो आप जानते हो पॉजिटिव आएगा पूरा, तो नेगेटिव कहां पर है डिफरेंस टर्म, माइनस टू से, तो वी सी इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है सभी को, क्लियर है, यस और नो बच्चों, क्लियर है, सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, इक्वल टू नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, गलत है दोनों जगह, इक्वल टू नहीं होगा बेटा, जब क्या बोला गया हमारा क्वेश्चन क्या था, डिक्रीजिंग था ना, कौन सा क्वेश्चन था, वॉल्यूम ऑफ वी डिक्रीजिंग ना, हाँ तो लेस देन जीरो रहेगा ना डिफ्रेंसिएशन। अच्छा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में भले ही हम लोग थोड़ा देख सकते हैं, स्ट्रिक्टली नहीं दिया है तो बी जा सकता है आंसर, है ना, साइन एक्स माइनस बी एक्स, है ना, सही बोल रहा हूँ, क्योंकि डिक्रीजिंग में ये वाला फंक्शन भी डिक्रीजिंग होता है, जैसे डाउन हो रहा है, फिर डिफ्रेंसन क्या हो गया जीरो, फिर डिफ्रेंसन क्या हो गया डाउन, फिर डिफ्रेंसन क्या हो गया जीरो, फिर डिफ्रेंसन क्या हो गया डाउन, अगर इसको भी बोले तो ये क्या कहलाएगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, तो डिक्रीजिंग के केस में डिफ्रेंसिएशन जीरो भी रख सकता है वो, है ना, जीरो भी रख सकता है बेटा, किसी टेस्ट में दिया था मैंने, बट देखना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन केस में हम लोग नहीं लेते हैं लेस देन ही लेके चलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, तो वो मुझे अभी तो बी ग्रेटर देन वन ही आंसर लगाइए आप, पहला स्ट्रिक्टली रहेगा तो भी रहेगा, देखिए एक डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के दोनों के केसेस में ना हमारा ये हमेशा होता है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, डिफ्रेंसिएशन में यही कंसेप्ट होती है, इक्वल टू वाली कंसेप्ट ही नहीं होती, राइट, डिफ्रेंसिएशन में वो किस में कंसेप्ट होती है, इसमें पढ़ाया था ना मैंने, यहां पे इक्वल टू यहां पे वो चलता है बट यहां पे नहीं चलेगा, तो ये केस में जनरली आंसर बी ग्रेटर देन वन ही रहना चाहिए, है ना, क्या दिया आंसर, सब जगह बदला होगा आंसर, बदला होगा वो, बदला है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू दे रहा है, नहीं वो चीज तो ठीक है, वो वन है अलग बात है, वो तो डिफरेंट कंसेप्ट वही रहेगा, फिर तो वो केस बदल दिया ना, एफ डैश एक्स हमारा क्या आया था बेटा, कॉस एक्स माइनस बी आया था, अब आप अगर एफ डैश एक्स को क्या ले लेते हैं डिक्रीजिंग के केस में, लेस देन इक्वल टू करिए कंसेप्ट लगा देते हैं, है ना, तो फिर वही आ जाएगा हमारा, तो फिर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इस केस में, तो कॉस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, बी जो हमारा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस वन से वन, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखो इसको बराबर लेके चल रहे हैं तो लास्ट लेंगे तो लास्ट वैल्यू ही, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं भाई, इस पूरे इंटरवल से बड़ा है इसका मतलब इस वन से बड़ा है, पीछे से तो बड़ा है ही, राइट, समझ गया बात को, पीछे से बड़ा है ही, इस वन से बड़ा है, किसकी क्या नेगेटिव थोड़ी जाएगा, अच्छा बी नहीं नहीं बी तो हम लोग निकाले हैं ना, तो इस केस में बी बोल सकते हो ना, इस पर थोड़ा सा डाउटफुल केस है तो बी भी आंसर हो सकता है, बी भी आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का ना, हाँ लेते नहीं हम लोग, किस में आया था, एएमडी 4 में आया था क्वेश्चन, ठीक है अभी चेक कर लेते हैं हम लोग, अभी डाउटफुल में है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आप जहां से देख रहे हो ना वो भी तो कोई ना कोई हो गया, वो देखना पड़ेगा मुझे, है ना, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, काफी बढ़िया है, इंट्रीगेशन का क्वेश्चन है बेटा, सभी लोग ट्राई करेंगे फटाफट, ट्राई करेंगे इंट्रीगेशन का क्वेश्चन है, बनाए सभी लोग,
क्या आंसर आया? करेक्ट राइट। देखिए बेटा एक चीज हमेशा समझे, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम लोगों को पता है कि इनडेफिनेट का क्वेश्चन है ये मेनली, राइट। डेफिनेट के लिए तो बस लिमिट लगा दी गई है ना। ये क्वेश्चन किसका होता है? इनडेफिनेट का। और काम क्या करना होता है जल्दी बोलो उसमें, तो 9 into इसको मैं फॉर्मूला ओपन करना पड़ता है क्या, 1 minus 10 square x by 2 upon 1 plus 10 square x by 2। और यहां पे क्या फॉर्मूला ओपन करना पड़ता है इसका, जल्दी बोलो बच्चों, 2 10 x by 2 upon 1 plus 10 square x by 2। 1 plus 10 square x by 2 ऊपर पहुंच जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों जल्दी बोलो, sec square x by 2। नीचे क्या बचेगा देखो, 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा इधर, अच्छा 9 ही रहेगा ना, 9 minus 9 10 square x by 2 और प्लस का 24 10 x by 2। अब आप अगर 10 x by 2 को t ले लेते हैं, 10 x by 2 को क्या ले लेते हैं बेटा, t, तो sec square x by 2 क्या हो जाएगा हमारा, into 1 by 2 क्या हो जाएगा, dt। बोलो बच्चों, तो sec square x by 2 क्या हो जाएगा dx के साथ, 2dt हो जाएगा ना बेटा। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 2dt, यस और नो। और नीचे क्या बनने वाला जल्दी बताओ, 9 plus 24t minus 9t square। लिमिट चेंज हो जाएगी, जीरो रखने पे लिमिट क्या हो जाएगी, t क्या हो जाएगा, जीरो। और पाई बाई टू रखने पे क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर यानी कि 1। जीरो से 1 लिमिट हो जाएगी। इसको परफेक्ट स्क्वायर करके ओपन करना होगा आपको, सभी लोग इसका परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं, ठीक है। ये इनडेफिनिट का ज्यादा है ना, डेफिनेट की प्रॉपर्टी कोई यूज नहीं हो रही इसमें खास। सॉल्व कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का 2/9 बाहर निकल जाएगा। बोलो बेटा ऊपर क्या बचेगा, dt, 0 से 1 अपॉन में क्या बचेगा, t स्क्वायर माइनस 24/9t प्लस 1। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसका आंसर बता दे रहा हूँ डायरेक्ट क्या आएगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों, 1/15 log e^6। हाँ किस पे, टेस्ट में ना, वो देखना पड़ेगा, वो ऐसे गूगल पे चेक मत किया करो, वो देखना पड़ेगा उसमें सही गलत है। यहाँ तक क्लियर हुआ, 1/15 log e^6 विल बी द राइट आंसर, ठीक है बेटा। सॉल्व कर लेंगे इजिली, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 1/x² + a² या x² - a² या a² - x² का फॉर्म बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कंसेप्ट हमारा डेफिनेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से ध्यान रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1/cos x sin x प्लस कॉन्स्टेंट भी आ जाए तो भी चलेगा। तो साइन एक्स को ब्रेक करते हैं, 2 10x by 2 upon 1 plus 10 square x by 2, राइट। ट्राई करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। e^2x - 2e^x whole upon e^2x + 1। आज इंट्रीगेशन के क्वेश्चन मैंने कम लिए हैं क्योंकि आज ही हम लोगों ने सुबह सुबह इंट्रीगेशन पढ़ा है पूरा, राइट। करें जल्दी से ट्राई। फटाफट आंसर करें, आया नहीं आया बच्चों, अलग अलग कर देते हैं। e^2x के साथ क्या आ जाएगा, e^2x + 1, बोलो, -2 times e^x के साथ क्या आ जाएगा, e^2x + 1। यहाँ पे इसको अगर t मानेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, देखो अगर पहले वाले पार्ट को सॉल्व करें, e^2x + 1 को क्या ले लेते हैं हम लोग, t, तो 2e^2x क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो बेटा। तो e^2x dx क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। तो इसका इंट्रीगेशन कैसे होगा, पहले पार्ट का जल्दी बोलो, 1/2 बाहर, dt/t यानी कि 1/2 log t, और t की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 plus 2x, इतना पार्ट आ जाएगा फर्स्ट, ये सुनो। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे e^x को t ले लो, ठीक है। तो e^x dx क्या हो जाएगा, dt, बोलो बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2 dt अपॉन
टी स्क्वायर प्लस वन, समझ गए ना? तो क्या बन जाएगा? माइनस का टू टेन इनवर्स टी, टी मतलब ए की पावर एक्स। तो एक पार्ट ये है एक पार्ट वो है, दोनों आंसर को ऐड कर दो आंसर आ जाएगा वन बाई टू लॉग ये सी है। तो दोनों क्यों नहीं है? ये दोनों सेम ही तो है, सी ही है, सी सॉरी ऊपर बी टू नहीं है ना, यहाँ टू नहीं है, ठीक। सी विल बी द राइट आंसर। समझ आ गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंट्रीगेशन का पार्ट है, डेफिनेट इंडेफिनेट इंट्रीगेशन का क्वेश्चन है। ईजिली आपने लेट करके सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्टली हम लोगों ने लिए उसी के हैं, किसके? इनडेफिनिट के ही, राइट। डेफिनेट की भी प्रॉपर्टी नहीं लगाए हम लोग, क्योंकि आज डेफिनेट के बहुत ज़्यादा हो गए थे ना, सुबह ओवरलोड हो जाएगा फिर ज़्यादा, सेम चीज़ ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। आंसर करें जल्दी से, बहुत ही बढ़िया सा प्रॉब्लम है, जल्दी बताएं। देखें थोड़ा गौर से इस क्वेश्चन को, थोड़ा गौर से समझें। एक प्रॉपर्टी और होती है ना, किंग प्रॉपर्टी के बाद हमने एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी आपको, क्या? जीरो से ए या जीरो से टू ए, यहाँ एफ एक्स होता था और यहाँ पर डी एक्स होता था, याद आ रहा है? अगर बच्चों एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाती थी? एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो क्या आंसर देते थे हम लोग, जल्दी बोलो? तो टू बाहर आ जाता था और ये जीरो से ए में क्या हो जाता था? ब्रेक, या सुनो। और अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाती थी? माइनस एफ एक्स के, तो क्या हो जाता था? जीरो, याद है प्रॉपर्टी? अगर मैं इसको अप्लाई करके देख लेता हूँ, ये मान लो हमने एफ एक्स मान लिया, इसमें रख दो, इसको रख दो बेटा, एफ ऑफ माइनस माइनस एक्स, सॉरी एफ ऑफ क्या दिखा निकालना है अपन को, दोनों को ऐड करो, क्या है? वन माइनस एक्स ना, एफ वन माइनस एक्स निकालो, क्या आएगा जरा बताओ? टू वन माइनस एक्स, क्या हो जाएगा? टू माइनस टू एक्स माइनस वन, 2 माइनस एक्स ना, माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, राइट ना? तो 1 माइनस टू एक्स बेटा, या सुनो नीचे क्या हो जाएगा? वन प्लस एक्स, तो आप देख रहे हो माइनस के साथ फंक्शन ऑफ एक्स नहीं आ गया, आंसर इज, तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखें इसको ना, स्टार मार्क लिख लो। अच्छा दूसरा रीजन, वैसे भी अगर आप करोगे इस क्वेश्चन को तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इनडेफिनिट से आप करोगे तो, भाई इनडेफिनिट से क्या लेट करोगे आप? नीचे वाले को, ऊपर वाला जीरो हो जाएगा, ठीक। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ आ गया? बढ़िया बच्चों, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे सभी लोग, फटाफट आंसर बताएं। इंट्रीगेशन अंडर रूट में वन प्लस साइन एक्स बाई फोर डी एक्स, दैट्स इट। तो वन प्लस साइन थीटा दिया गया है आपको, करेंगे आंसर बच्चों जल्दी से। याद है इस चीज को? अगर नहीं याद है तो इसको भी याद करके रख सकते हैं आप लोग। कभी भी अगर आपको ऐसा वन प्लस साइन थीटा लिखे, और अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं इसको, जल्दी बोलो? का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बोल सकते हैं, इसको टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा सेम। तो आप जानते हैं रूट कैंसिल हट जाएगा आप किसी बहाने, क्या बन जाएगा फॉर्मूला? ये साइन एक्स बाई एट प्लस कॉस एक्स बाई एट का होल स्क्वायर बनेगा, रूट हट जाएगा, बोलो हो गया क्वेश्चन सॉल्व? तो इसका क्या बन जाएगा? माइनस का कॉस एक्स बाई एट
अपॉन 1/8 और प्लस का साइन एक्स बाई 8 अपॉन में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, बी ना, 8 ऊपर पहुंच जाएगा जंप मार के आंसर खत्म। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप देखो डर जाओगे तो डर जाओगे देख के ना, इसलिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आया मैं। क्लियर हुआ सभी का बच्चों? यस और नो? बहुत बढ़िया आयुष, गुड। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इन कर्व से बाउंडेड एरिया, बहुत आसान है आई थिंक, बहुत बार किए हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देखें। e की पावर x का डायग्राम कौन सा होता है? ये होता है। और बच्चों log e की पावर x क्या होता है? ये ऐसा ना, कट हो जाएगा, नहीं कटेगा, कट ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना भाई, कटेगा कटेगा, दोनों को बराबर करके देख लो पता चल जाएगा। कौन बोला था? अभिजीत, देख लेते हैं। कैसे आएगा आंसर बताओ, क्या आएगा? आएगा कुछ नहीं, कटेगा सर, 1/2 में एक ब्रेक हो जाएगा, हाँ नहीं होगा। ठीक है अभिजीत, एक्स की वैल्यू 1 लेने पे नहीं होगा, एक्स की वैल्यू ई लेने पे नहीं होगा ना, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है ना, तो कुछ मत करो फिर, आप कुछ मत करो फिर, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आप सीधा इंटीग्रेशन करो 1/2 log e वेस्ट पे x माइनस, जब आपको लगे कर्व में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो सीधा 1/2 में आंसर आएगा, 1/2 में खत्म। आंसर बोलो जल्दी से क्या आएगा, डिफरेंशियल बोलो, x का क्या होता है? x log x माइनस और माइनस e की पावर x, लिमिट क्या है 1/2, 2 रख दो बेटा क्या आ जाएगा, 2 log 2 माइनस 2 माइनस e स्क्वायर, 1 रख दो बेटा क्या हो जाएगा माइनस में, 1 रखोगे 0 माइनस 1 माइनस e, कितना आ जाएगा आंसर बताओ, 2 log 2 माइनस 1 क्या मिल रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मुझे मिल रहा है 2 log 2 माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 ना, और बेटा प्लस ई और माइनस ई स्क्वायर है ना, माइनस ई स्क्वायर ना, क्यों गड़बड़ हो रहा है भाई, उल्टा, अच्छा एरिया है माइनस कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है, ये पूरा बदल दो माइनस की आंसर आ जाएगा, एरिया है ना तो आप वो तो माइनस प्लस कभी भी ला सकते हो, मॉड रहता है, बोलो मॉड रहता है ना बेटा, तो पॉजिटिव निकालना पड़ेगा, ये नेगेटिव हो चुका होगा एक्चुअली, तो इसमें माइनस लगा दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्या आंसर आ जाएगा, सी ई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ई नेगेटिव हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ई नेगेटिव हो जाएगा, अभी जो वैल्यू होगी ना इसकी वो नेगेटिव हो रही होगी एक्चुअली, अभी हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो रही होगी, अगर ये माइनस 5 होता तो अभी तक 5 लगा के आंसर निकल गए होते आप, आगे सोचो अगर ये 5 वैल्यू आई होती तो माइनस, ये माइनस 5 आया होता तो 5 लगा दिए होते आंसर ढूंढ के, बट ये ऐसा आया तो आपको समझ लो माइनस बदल दो बस, माइनस से मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे, वो तो यहाँ फर्क पड़ जाता है, अब एक ही पावर एक ऊपर था उसको रखना चाहिए था एक्चुअली हमको ऊपर, है क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हम लोग अभी तक कैसा करते आए, नेगेटिव आ जाएगा और क्या होगा, हम लोग पॉजिटिव बना देंगे उसको, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपर एरिया और मतलब अपर ट्रिंगल और कोई भी कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा ना, कोई भी ऊपर कर दो कोई भी नीचे कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ के फॉर विच एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाई दिस एंड स्ट्रेट लाइन एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू के इज इक्वल टू 16/3, तो आपको बताना है किसकी वैल्यू k की, तो k की वैल्यू क्या होगी, एक है x इक्वल टू 1 और एक है x इक्वल टू k, तो 1 से k में हमें इसका सिंपल सा क्या करना है, बहुत सिंपल है, ऐसा कर्व हम लोगों को मिले तो 1 से k में क्या कर दो इंटीग्रेशन किसका, और दूसरा कर्व हमारा क्या x एक्सिस है तो वो तो 0 ही होता है, पता है आपको, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि इसके बनाने के चक्कर में पड़ गए हो, परेशान हो रहे हो, गिर गिर पड़ रहे हो, लिमिट वैल्यू कितनी दी गई एरिया की, एरिया कितना के मैंने बच्चों 16/3, सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लो, अभिजीत शुरू,
कोई बात नहीं जतिन, एक बार इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, नंबर लग जाएगा ना 9516001679। क्लास के बाद इस नंबर पे कॉल कर लेना, नंबर लग जाएगा। मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, नंबर लग जाएगा बेटा। ठीक जतिन जैन, दिस इज फॉर यू ओनली, है ना, ये सब लोग शुरू हो जाओ। नहीं, जिसको कोचिंग प्लान करना है वो कॉल कर लेना, बट सब शुरू मत हो जाना बेटा, है ना। चलो जल्दी करें, आंसर बताएं फटाफट, क्या आंसर आया? नहीं, हर क्वेश्चन में कर सकते हो। देखो ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में, जब हमें पता है कि डायग्राम बनता नहीं नजर आ रहा है, या जब भी मुझे दो कर्व दे दें और इंटरसेक्शन पॉइंट भी दे दें कि कहाँ से कहाँ तक, भाई आपका एक कर्व जा रहा होगा, एक एक्स एक्सिस दे दी, एक ये लाइन दे दी, तो पता है ना हमको, इसलिए इसलिए बना दिया। अब इसका जो डायग्राम होता है वो थोड़ा सा आपको बनाने में तकलीफ जाएगी, है ना, इसीलिए मैंने आपको आंसर दे दिया, डायरेक्ट आप बना लीजिए। बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि आपने कर्व उठाया और लिमिट लगा दी, जनरली लिमिट दी नहीं जाती है हर क्वेश्चन में, ना, तो आपको निकालना पड़ता है इंटरसेक्शन पॉइंट। चले आगे करेंगे, फटाफट आंसर आया, क्या आएगा बेटा? यही आ रहा होगा, कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, मतलब ऐसा तो सिंपल निकल के नहीं आने वाला ना, के का वैल्यू डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, इतना सिंपल तो निकल के नहीं आने वाला, यही निकलेगा गंदा सा। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते, एरिया स्क्वायर, फिर से क्वेश्चन हमें सेम मिला, ये पैराबोला है बच्चों, यह सुनो, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस टू एक्स माइनस वन, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस टू कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स प्लस वन बाई टू, राइट, यह सुनो, तो ये हमारा पैराबोला होता है इधर की तरफ, इधर की तरफ, इसका जो वर्टेक्स होगा वो माइनस वन बाई टू कॉमन जीरो होगा, मतलब माइनस वन बाई टू से जाएगा, ऐसा ऐसा पैराबोला बनेगा, राइट। अब आगे क्या दिया गया है, एक्स एक्सिस, बस क्या बात कर रहे हो यार, ये तो ओपन एरिया बन जाएगा, एक लाइन गायब है इसमें क्वेश्चन में, एक्स इक्वल टू जीरो ना, एक्स इक्वल टू जीरो तो ये होता है हमारा बाई एक्सिस ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं बना डायग्राम उल्टा, पॉजिटिव आएगा क्या, नहीं है ना, कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में भाई साहब, है? अच्छा अच्छा नहीं, कैसे बनेगा, ये तो नेगेटिव है ना यार, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स होता तब ऐसे बनता है ना पॉजिटिव, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है मुझे तो ऐसा लग रहा है, सही किया कि हम लोगों ने उसे गड़बड़ कर लिया, कुछ गड़बड़ किया हम लोग ही, हम लोग क्या किए, अच्छा इसको लाए इधर बट पॉजिटिव ले आए, है ना, ये गड़बड़ हो गया ना, छी 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 भाई, उन्होंने कहा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, बिल्कुल तो कुछ है ही नहीं यार इस क्वेश्चन में ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू कॉमन एक्स प्लस, तो किससे जाएगा, जाएगा माइनस वन बाई टू से ही, बट ऐसे जाएगा राइट, अब एक हमारी एक्स इक्वल टू जीरो ये लाइन है, तो ये यार ये निकालना है अपन को, तो ये वन बाई टू है और ये क्या है बेटा, माइनस वन बाई टू, और ये क्या है जीरो, तो इंटीग्रेशन कहाँ से जाएगा, माइनस वन बाई टू से जीरो, ऐसा स्टेप डाल दो, टू टाइम्स कर दो, बोलो बेटा, स्टेप चला देते हैं यहाँ से यहाँ तक और टू टाइम्स कर देते हैं, राइट, बोलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस से तो जीरो मिलेगा, ऊपर वाले से क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ एक्स, रूट के अंदर टू एक्स प्लस वन डी एक्स, सॉल्व कर देते हैं, टू माइनस वन बाई टू से जीरो, वन अपॉन, या लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना, क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस वन की पावर थ्री बाई टू, टू बाई थ्री इन टू वन बाई टू और आएगा, बोलो बच्चों, टू से टू तो टू बाई थ्री बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा,
2x प्लस 1 की पावर 3 बाई 2 पावर क्या है माइनस 1 बाई 2 से 0, 0 रखोगे तो बनी रहेगा ना, बोलो बेटा माइनस लगाए के माइनस 1 बाई 2 रखो क्या आएगा 0, 2 बाई 3 आंसर है क्या कोई ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, रिप्लाई करें बोले हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक, समझ आ गया सभी को बच्चों? तो दिस इज द कंसेप्ट राइट एरिया। आज थोड़े 25 क्वेश्चन ही लिए हम लोगों ने, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट आरबीसी क्लास में हम लोग, है ना। और एमआईक्यू क्लासेस चल रही है हमारी, मॉड्यूल 4 का एक क्लास और होगा कल 2, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट होगा। तो कल हम लोग एक मॉड्यूल 4 का एक टेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर टेस्ट दीजिएगा, एमआईक्यू क्लासेस दीजिएगा, साथ ही साथ जो बच्चे भी आरबीसी में ऐड हैं उनको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं देना शुरू कर रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को अलग से सॉल्व करें, काफ़ी क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, सॉल्व कर लें अगर उनको तो एग्जाम में आपको उन्हीं से क्वेश्चंस मिलेंगे, इस बात की हम लोग गारंटी देते हैं, ठीक है। उसी से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, प्रॉपर काम करें आरबीसी में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। ओए कीलील मत निकालो यार, तुम क्या चाहते हो। चलो थैंक यू सो मच। हाँ, परसों जुड़ना ना भूलें आप लोग, दोपहर में 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, परसों का दिन पूरा एक्मे एकेडमी के साथ। पॉपकॉर्न रखिए, कोल्ड ड्रिंक रखिए, खाना रखिए, सब कुछ अपने पास रखिए, खाइए और इन्जॉय के साथ पढ़ाई करिए। पूरा 12th का मैथमेटिक्स कंप्लीट करने वाले होंगे, जिसके अंदर लिमिट क्वांटिटी डिफरेंसिबिलिटी पूरा LCD आएगा, डिफरेंशिएशन भी थोड़ा पार्ट आएगा, AOD पूरा आएगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF आएगा, वेक्टर आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, एरिया अंडर द कर्व आएगा, 3D और एक टॉपिक कौन सा होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग। वो 12th के टॉपिक है बट कॉम्पिटेटिव में हमारे निमसेट में नहीं आते हैं तो उनको छोड़ देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। क्या आयुष, कौन सा प्राइज मिल गया तुमको?